अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इरशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए CS101 की थर्ड असाइनमेंट लेके आया हूँ। तो इसकी लास्ट डेट 15 फरवरी है। 15 फरवरी तक आपने सबमिट करा देंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि C++ प्रोग्राम में आपने टोटल मार्क्स और उसके एवरेज मार्क्स 5 सब्जेक्ट के लिखने हैं, और हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद आउटपुट जो आनी चाहिए उसमें आपका नाम भी होना चाहिए, वीयू आईडी भी होनी चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स और एवरेज मार्क्स होने चाहिए, और नीचे डिवीजन भी लिखनी होनी चाहिए। डिवीजन का तरीका ये है कि 60% 60 मार्क्स से अबव हों तो फर्स्ट डिवीजन, 45 और 60 के रेंज में हों तो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, अगर 33 और 45 की रेंज में हों तो थर्ड डिवीजन होनी चाहिए, और 33 से नीचे हो तो फेल होनी चाहिए। तो उसके अलावा आपने जो आउटपुट हो उसको उसकी जो होती है इस तरीके से होनी चाहिए, और ये आउटपुट इस तरीके से आपने असाइनमेंट एंड में लिखने, ये पिक्चर की फॉर्मेट में देनी भी है। तो C++ की कोड में मैंने जो कोड लिखे हुए हैं आप ये देख सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे लिखना है C++ ऑनलाइन कंपाइलर। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन एडिटर पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी है इसको आपने बैक स्क्रीन का कंट्रोल ए करके बैक स्क्रीन कर लेना है, और यहाँ पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आपने ये देख लेना है। तो यहाँ पे इस पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कर देना पेस्ट, और फिर इसको रन कर देना है। और उसके अलावा 5 सब्जेक्ट के आपने नंबर लिखने हैं, ये देखें, आप लिखें 90, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे 90 एंटर, 90 एंटर, 90 एंटर, 90 एंटर, और आखिरी सब्जेक्ट के 90 एंटर। उसके बाद ये देखें आप, ये स्टूडेंट नेम, वीयू आईडी वगैरह ये सब लिखी हुई आ गई है। तो फिर आपने प्रिंट स्क्रीन करना है, और प्रिंट स्क्रीन का बटन पर क्लिक करना है, और इसकी पिक ले लेनी है, ठीक है, और आपने सेव कर लेना है कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाकर ये सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, उसमें जाके जो आपने यहाँ पे इसको दोबारा कंट्रोल सी, और यहाँ पे आपने ऊपर लिख लेना सी असाइनमेंट, अपनी आईडी वगैरह, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, और नीचे लिखना है आउटपुट। यार मेरे 90% स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आउटपुट लिखने के बाद नीचे आपने वही जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको इंसर्ट करना है। यहाँ पर इंसर्ट पे जाके पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, और ये पिक्चर आपने इंसर्ट कर देनी, इस तरह आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये फिर यही असाइनमेंट आपने ये सेव कर लेनी है और वहाँ पे जाकर सबमिट कर देनी। अब आपको मैं बताऊँगा इसमें आपने चेंजिंग क्या क्या करनी है, ठीक है। जो ये नीचे ये दी हुई है, आपने एक और किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना, किसी कॉमे को, सेमी कॉलन को, कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे जो मेरा नाम ये दिलशाद अहमद लिखा हुआ है, यहाँ आपने यहाँ काट कर अपना नाम जो भी होगा वो आपने लिख लेनी है, नीचे वीयू आईडी आपने जो भी हो वही लिख लेनी, किसी सेमी कॉलन को या कॉम को आपने नहीं छेड़ना।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।